हेलो फ्रेंड्स, नेटिंग एंड क्रोशेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम जाना आज हम फंदे डालेंगे फंदे डालेंगे कुछ अलग तरह से। फंदों की लुक कुछ अलग आएगी और बड़े ही प्यारे ये फंदे बन के आएंगे। तो इसके लिए हमने पहले क्या करना है, सिंपल फंदे आपने जितने भी फंदे कास्ट ऑन करने हैं सिंपल थ्रेड से इसको कास्ट ऑन कर लेना है। सिंगल थ्रेड लेंगे हम, सिंगल थ्रेड से ऐसे ही फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे सिंपल। ये देखिए ऐसे जैसे भी आप कास्ट ऑन करते हो वैसे कर लीजिए, चाहे पैसे कर लीजिए वो आपकी मर्जी है। जैसे भी आप कास्ट ऑन करते हैं वैसे अपने अपने फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो फिर सिंपल थ्रेड से हम फंदे कास्ट ऑन करके फिर इनको डिज़ाइनर लुक देंगे कैसे, तो वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। हमने सिंपल फंदे कास्ट ऑन कर लिए, अभी इनको हम डिज़ाइनर लुक देखें देखिए कैसे। फर्स्ट फंदे को स्टिच करेंगे, फिर थ्रेड को दूसरी तरफ करेंगे। उसके बाद जो अगला फंदा है यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, पीछे से एक फंदा उठाएंगे और एक बल डालेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से ऐसे उठा लेंगे। हमने तीन फंदे सीधे निट कर लिए, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, तो नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा निट कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए धागे को पीछे करेंगे, पीछे करने के बाद एक फंदा यहाँ से ऐसे उठाएंगे। एक फंदा उठाने के बाद हम ये देखिए एक बल डाल देंगे, एक बल डालने के बाद हम इस फंदे को फिर से सीधा बुन लेंगे। हमने एक में से तीन फंदे बना लिए, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ऐसे, और फिर देखिए फिर एक बल डालेंगे और इसको सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उठाया यहाँ से ऐसे, और फिर एक बल डाला और फिर हमने इसको सीधा निट कर लिया। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हम ऐसे ही बनाते इसको चले जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने एक फंदा उठाया और बल डाला और इसको सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, बस ऐसे बनाते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में हम फंदे को अपनी तरफ करके उल्टा निट कर लेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट में हम कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट में हम फर्स्ट फंदे को स्टिच कर लेंगे, फिर ये देखिए ये हमारे तीन फंदे हैं, ठीक है। इस फंदे को हम ऐसे इसके ऊपर से उतार देंगे और ये भी इस फंदे को भी ऐसे इसके ऊपर से उतार देंगे। उतारने के बाद इसको हम सीधा निट कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदे को फिर से हमने उल्टा निट कर लेना है, फिर धागा इधर, फिर ये देखिए दो फंदों को लेंगे और ऐसे ऊपर से उतार के दो का एक कर लेंगे ऐसे। फिर से देखिए ये जो हमने एक में से तीन फंदे बनाए हैं, तीनों में से हमने ये दो फंदे इसके फंदे से के ऊपर से इसे गिरा देने हैं। ये जो हमारा सीधा फंदा है इसके ऊपर से, तो इसको हमने सीधा बुन लेना है। नेक्स्ट फंदे को हम सीधा ही निट करें, इसको सीधा निट करेंगे। फिर देखिए ये फिर आगे जो हमने एक से तीन बनाए थे, तो दो फंदों को उठाएंगे ऐसे, एक के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, सिर्फ फंदे को गिरा रहे हैं और इस फंदे को हम फिर सीधा निट कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा फिर से सीधा, फिर देखिए ये जो दो फंदे आ गए इनको हमने एक में से तीन बनाए थे, दो फंदों को उठाएंगे, दो फंदों को उठा के एक के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और इस फंदे को हमने सीधा बुन लेना। अभी नेक्स्ट रो देखिए ध्यान से आप। फर्स्ट फंदे को फिर से हम स्टिच करेंगे, ये वाला फंदे को, ये देखिए यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे, ये जो हमारा एक है बिल्कुल नीचे से, इसको उठा के जो हमारा सबसे नीचे फंदा है इसको उठा के, और ये फंदा लेंगे हम, दोनों को हम ऐसे दो का एक कर देंगे उल्टा, दो का एक करेंगे हम इनको, दोनों को निट करेंगे उल्टा ऐसे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा फिर हमने उल्टा निट किया, धागे को पीछे किया, फिर हमने ये देखिए यहाँ से ये वाला फंदा उठाया,
इसको उठा के हम सिलाई पे डालेंगे ऐसे, और दोनों को हमने ऐसे, ये देखिए ऐसे सीधा दोनों को निट कर देना है, ऐसे दो का एक कर देना ऐसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हम ये देखिए यहाँ से फंदे को उठाएंगे, ये वाला सिलाई पे इसको डालेंगे और ऐसे दो का एक ऐसे कर देंगे बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से नीचे से एक फंदे को उठाएंगे, ये वाला, ये देखिए यहाँ से जो बिल्कुल नीचे फंदा आ रहा है बस उसको हम उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे फंदों की लुक, हमारे फंदे बुनने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे, ये देखिए ये एक साइड से ऐसे लगेंगे, ये देखिए, और दूसरी साइड से ऐसे। तो आप इसके ऊपर ही पैटर्न शुरू कर सकते हो, और चाहो तो इसके ऊपर एक बॉर्डर बुन सकते हो, एक उल्टे और सीधे का, क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर एक सीधे और एक उल्टे का ही बनेगा। तो फिर डालिए ये फंदे और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए जी।